आपका अधिकार नहीं देंगे, इनको दया आ जाएंगे तो ज्यादा से ज्यादा आपको भीख दे देंगे लेकिन आपको अधिकार नहीं देंगे। आजादी के 75 साल के बाद पहली बार हिंदुस्तान में किसी निषाद का बेटा ने बिहार में मुख्यमंत्री बनाने का काम किया। उत्तर प्रदेश के बाद अब मुकेश सहनी का चुनावी रथ झारखंड की तरफ बढ़ चुका है, जिसमें उन्होंने उत्तर प्रदेश में चुनावी हार और झारखंड के नए रणनीतियों का खुलासा किया है। मुकेश सहनी उत्तर प्रदेश में चुनाव के बाद पहली बार उन्होंने बयान दिया है और तमाम चीज़ों को रखा है। देखिए किस तरीके से मुकेश सहनी झारखंड के दौरे पर हैं और वहाँ उनका भव्य स्वागत किया गया है, उसके बाद मुकेश सहनी ने क्या कुछ कहा है अपने समर्थकों को लेकर और किस तरीके से आगे की। मुझे एहसास हुआ कि ये लोग आपका अधिकार नहीं देंगे, इनको दया आ जाएंगे तो ज्यादा से ज्यादा आपको भीख दे देंगे लेकिन आपको अधिकार नहीं देंगे। और इतना समझ में आ गया कि जो काम मैं इनको कह रहा हूं करने के लिए वो काम तो मैं खुद भी कर सकता हूं, सिर्फ उस जगह पे पहुंचने की आवश्यकता है। उस जगह पे पहुंचने के लिए धन दौलत की आवश्यकता नहीं है, उस जगह पे पहुंचने के लिए वोट की आवश्यकता है और वोट हमारे पास है। आपका वोट का कीमत उतना ही है जितना देश के प्रधानमंत्री का वोट का कीमत है, उतना ही वोट का आपका कीमत है। लेकिन दुर्भाग्य है कि हमारे लोग वहां पे नहीं पहुंच पाते, हम अपने लोगों को वहां नहीं पहुंचा पाते और इसलिए आज हमारा ये दशा दिशा है। और हमने निर्णय लिया, हमने 7-7 दिन तक पटना में हमने अनशन पे बैठा लेकिन सरकार सुनने का काम नहीं किया। और फिर मैंने 2018 में पॉलिटिकल पार्टी बनाया और संघर्ष करना चालू किया और पूरे बिहार के निषाद के सभी उपजाति बीच मिलता नुनिया मला के बट हमारे 50 नाम से हम जो जाने जाते हैं सभी ने अपने एक पैर पे खड़ा हुआ और मजबूती से अपनी शक्ति दिखाने का हम लोगों ने काम किया। 2019 में यूपीए के साथ गठबंधन हुआ, 3 सीट पर हमने चुनाव लड़ा, तीनों सीट हमने चुनाव हार गया। उसके बाद हम लोगों का हौसला नहीं हारा, सिर्फ चुनाव हमने हारा लेकिन हौसला नहीं हारा। और फिर उसके बाद हम लोगों ने फिर मजबूती से अपनी हक अधिकार के लिए संघर्ष करना चालू किया और 2020 आते आते आज बिहार सरकार का मैं आज मंत्री हूं। आज बिहार सरकार कह सकते हैं कि आपका है। आजादी के 75 साल के बाद पहली बार हिंदुस्तान में किसी निषाद का बेटा ने बिहार में मुख्यमंत्री बनाने का काम किया। आज भले हमारे पास 4 ही विधायक है लेकिन जिसके पास 74 है उससे कम नहीं है। आज जितना 74 वाले के पास पावर है उतना ही 4 वाले के पास भी पावर है। अगर 4 वाला अगर समर्थन नहीं देता तो शायद सरकार नहीं बनता, या 74 वाला समर्थन नहीं देता तो शायद सरकार नहीं बनता। आज इतनी हमारी ताकत है, आज पॉलिटिकल विल पावर मजबूत है। आज बिहार में हम जो चाह रहे हैं वो कर रहे हैं। एक समय था 7 दिन तक मैं अनशन पे बैठता था लेकिन सरकार नहीं सुनता था, आज उसी विभाग का मैं मंत्री हूं। आज एक से एक नीति मैं बना रहा हूं। अभी हम लोगों ने 2.25 लाख करोड़ का बजट बनाया, उसमें 1500 करोड़ रुपया हमारे विभाग के लिए भी बजट हमने बनाया। आज एक साल में 1500 करोड़ रुपया फिशरीज के लिए।
अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओ ये एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।